नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। निवेश के लिए दुनिया का स्वागत, भारत निराश नहीं करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवंशी निवेशक को दिया जवाब। धर्मनिरपेक्षता शब्द को अब तुष्टीकरण कहा जा रहा है, एक कार्यक्रम में बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम। गुजरात में बेमौसम बारिश और गिरे ओले, आकाशीय बिजली गिरने से 17 की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मार्च 2024 तक हाल में लागू करेंगे सीएए, कोई नहीं रोक सकता, बंगाल में बोले मंत्री अजय मिश्रा। शोपिया में गोला बारूद सहित पकड़ा गया एक आतंकी, सुरक्षा बलों पर हमला करने की ताक में था एजीएस संगठन का सक्रिय सदस्य। फिरोजाबाद में तहसीलदार ने पकड़ा सरकारी राशन, मामले की जांच में जुटी पुलिस, एसडीओ सप्लाई इंस्पेक्टर सभी आकर जांच करेंगे। देश भर में मनाई जा रही कार्तिक पूर्णिमा, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, काशी में देव दिवाली की धूम। कौशाम्बी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब में भरी गाड़ी पुलिस ने पकड़ी, गाड़ी से 450 पेटी अवैध शराब बरामद। प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा का आखिरी दिन, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, यमुना तट पर श्रद्धालुओं ने स्नान करके दान पुण्य किया। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान और मेला, डीएम सदन प्रभार राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। जिस अस्पताल में गई थी 471 लोगों की जान, हमले के पीछे फिलिस्तीनी समूह का हाथ, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में दावा। हमास ने छोड़ा 14 इजरायली बंदूकों का तीसरा ग्रुप, जिनमें हैं 9 बच्चे, जब सबसे छोटी 4 साल की बच्ची भी शामिल। पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में टीटीपी के 8 आतंकी ढेर, भारी हथियार बरामद, पिछले साल सरकार के साथ खत्म हुआ था टीटीपी संघर्ष विराम समझौता। पिता को देखते ही लिपट गई बच्ची, हमास के चंगुल से छूटकर आए बंधक अपने परिवार से मिलकर हुए भावुक। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर बने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, भविष्य के नेताओं का संकेत देते हैं 3-स्टार रैंक के सैन्य अफसर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने बनाया महारिकॉर्ड, पावर प्ले में अर्धशतक लगाने वाले बने तीसरे भारतीय। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में हुई वापसी, गुजरात का छोड़ा साथ, मुंबई इंडियंस से हार्दिक ने किया था आईपीएल डेब्यू। कोलकाता नाइट राइडर्स का चौंकाने वाला खुलासा, शार्दुल ठाकुर और फर्ग्यूसन समेत 12 खिलाड़ियों को किया रिलीज। डेरेन ब्रावो ने क्रिकेट से दूरी बनाने का ऐलान किया, टीम में जगह नहीं मिलना बनी वजह, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। शमी ने एक्सीडेंट में घायलों की मदद की, लिखा किसी को बचाकर खुशी मिली, लोग बोले पिच पर टीम को बचाया। बिग बॉस के घर में हुई ओरी की छुट्टी, बी टाउन सेलेब्स के फेवरेट हैं ओरहान अफ्तरमणि। आंखों पर लगी चोट, साउथ एक्ट्रेस विनीता विजय कुमार पर आधी रात हुआ हमला, एक्ट्रेस ने तस्वीर शेयर करके दिखाई हालत। एनिवल की हो रही बम्पर एडवांस बुकिंग, रिलीज से पहले ही करोड़ों का कलेक्शन कर चुकी है रणबीर कपूर की फिल्म। आइडिया चुरा लिया और क्रेडिट भी नहीं दिया, दीपक तिजोरी ने मोहित सूरी पर लगाया धोखा देने का आरोप।
26/11 के अनसंग हीरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे शाहरुख खान, सामने आया वीडियो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।